मेरी महबूबा। सो हे गाइस, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो देखी है गाइस, ये वाली वीडियो जो है इंस्टाग्राम की रील पर बहुत तेज से वायरल हो रही है। तो आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग देखोगे, यहाँ पर स्काई एडिटिंग है, साथ साथ एक न्यू इफेक्ट है गाइस, यानी कि वो कैसे एडिट कर सकते हो, और यहाँ पर एक नया फिल्टर है। तो आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे करोगे अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से, यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो जो होगी आपको एंड तक वॉच करनी है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कैपकट एप्लीकेशन की जो है ऐप की लिंक नीचे दी है, आपको उसे वहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करना है और यहाँ पर जो होगा उसको ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पर आप उसे इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो यहाँ पर प्लस का आइकन यानी कि न्यू प्रोजेक्ट मिलता है, आपको यहाँ पर जो होगा क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर खुद की एक वीडियो लेकर आनी होगी, यानी कि जो आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो होगी शूट की होगी चलते हुए, यानी कि आगे वीडियो इसका उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होना चाहिए आपके पीछे वीडियो में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो लिया कुछ इसी तरीके से, मतलब ये आगे आते हुए नहीं मतलब जाते हुए, तो आप इस तरीके से भी वीडियो शूट कर सकते हो, बट अगर चलते हुए आगे वीडियो की तरफ शूट करोगे तो वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एंड में आपको वाटरमार्क मिलेगा, उस वाटरमार्क पे क्लिक करके इसे जो होगा यहां से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइज आपको यहां पर आ गया ना, आपको म्यूजिक जो होगा यहां पर वॉल्यूम उसे म्यूट कर देना है बिल्कुल। म्यूट करने के बाद गाइज आपको ओवर लेयर पे मतलब कि यहां पर देखोगे ऊपर, तो सबसे पहले वीडियो को यहां पर दो या तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना है, वीडियो पर क्लिक करना है और जहां पर तीर का निशान है गाइज आपको वहां पर क्लिक करके क्या करना है, वीडियो को जो होगा यहां पर कई पार्ट में डिवाइड करना होगा। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पहले मैं बताऊंगा कि वीडियो को जो है ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करोगे, जो स्काई एडिट है वो कैसे करोगे, जो नया फिल्टर है वो कैसे एडिट करोगे, इसलिए मैंने इसे कई पार्ट में यहाँ पर जो है डिवाइड कर लिया है। तो गाइज आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है मतलब कि जहाँ पर तीर का निशान है ओवर लेयर, आपको यहाँ पर जो होगा क्लिक करना है, प्लस का आइकन होता है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी मैं मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ऑल मटेरियल करके मैंने वीडियो नीचे दी है, तो आप वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस सारे मटेरियल को डाउनलोड करके यहाँ पर ला सकते हो। गाइज इस वीडियो को यहाँ पर लाने के बाद आपको जो है स्काई वाली आपको ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना होगा, एडजस्ट करना है इसे अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट करना होगा और आपको आगे आना है। आगे आने के बाद यहां पर देखना आपको किस पार्ट तक के मतलब कि इसको जो आप सेट करोगे, तो मैं सभी जो है बीच में यहां पर क्रॉप करूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास जो यहां पर दो ही इफेक्ट हमें लगाने होंगे, एक स्काई वाला और एक नया इफेक्ट है वो वाला, इसे दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसे सेकंड जो पार्ट होगा उसे यहां से डिलीट कर देना है। इसी पार्ट पे आपको जो होगा स्काई वाले के इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर मास्क का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो इस मास्क के ऑप्शन पे जो होगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद गाइज आपका जो नेट होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जहाँ तीर का निशान है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तो क्या होगा आपका जो मतलब कि ये फिल्टर है मतलब कैपकट एप्लीकेशन है वो आपके नेट से चलेगा, तो नेट ऑन जरूर होना चाहिए यहाँ पर गाइज। ये जो व्हाइट वाला तीर है आपको इस पे क्लिक करके इस तरीके से जो आप स्काई को अपने एडजस्ट वगैरह यहाँ पर कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, तो इसे यहाँ पर थोड़ा सही से एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये स्काई है तो एडिट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। इस तरीके से आपका स्काई एडिट हो जाएगा यहाँ पर जो है। अब आपको जो होगा यहाँ पर अपना सेकंड इफेक्ट यहाँ पर लेके आना होगा, तो स्काई का जहाँ पर है यहाँ पर आपको रुकना है थोड़ा सा करके, यहाँ पे आगे आके प्लस का आइकन आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और इसकी भी जो मैंने आपको वीडियो नीचे दे दी है दोनों इफेक्ट दिए गए जो वीडियो में यहाँ पर ट्रेंड में अभी हैं, तो ये दोनों इफेक्ट में जो आप एक इफेक्ट यहाँ पर लगाना चाहते हो वीडियो का मतलब कि ये वाली वीडियो, तो आप इसे ला सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल मतलब इस तरीके देख लेना कि किस तरीके से आपकी वीडियो में जो यहाँ पर ये सही लगेगा, तो इसे अच्छे से आपको इसे करके देख लेना होगा। तो मैं इसे जो है अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ, ऊपर की तरफ आपको इसे करना होगा, और ऊपर सेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे मतलब के ऊपर देख लेना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करने के बाद मास्क का ऑप्शन जो है गाइज आपको यहीं पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है गाइज आपको इसे लेना है। ये तीर आपको इस तरीके से यहाँ पर जो होगा इसको एडजस्ट कर देना होगा, एडजस्ट आपको इसको यहाँ पर जो होगा अच्छे से करना है। अच्छे से करने के बाद गाइज आपको सिंपल जो है यहाँ पर इसको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद अपनी वीडियो को प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट अभी ये सही से यहाँ पर एडिट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा स्काई नहीं दिख रहा है, तो इसे भी यहाँ पर अच्छे से करेंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो होगा यहाँ पर देख सकते हो जहाँ तीर का निशान है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं मतलब कि ये वाले कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो, मतलब इसे यहाँ पर क्लिक करना और देख सकते हो आपका जो स्काई होगा वो नज़र
आ गया है पूरी तरीके से, मतलब थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर लग रहा है, डार्क वगैरह लाइट करके आप देख लेना जो सही लगे। इसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है आप इसको भी यहाँ पर अच्छे से कम कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पर जो एडजस्ट कर लेना। तो इसे यहाँ पर सेट करने के बाद सिंपल आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आगे आना है वीडियो के एंड तक और आपको यहाँ पर रुकना होगा, इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। जहाँ पर तीर का निशान है क्लिक करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, आगे का जितना पार्ट है ये वाला इसको आपको यहाँ से जो होगा आपको जो डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइज आपको देखोगे नया इफेक्ट यहाँ पर एडिट हो चुका है, स्काई यहाँ पर एडिट हो चुका है। आपको यहाँ पर मतलब इस जो है पहले उसमें अगर आप जो पहले हमारी यहाँ पर जो पार्ट है वीडियो का उसे अगर ब्लैक एंड व्हाइट अप करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, पर मैं उसको अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी इसमें हमें बीट और सॉन्ग भी यहाँ पर शेक इफेक्ट बाउंस इफेक्ट भी हमें लगाने होंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो जो कि वीडियो में सब कुछ यहाँ पर लग चुका है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर जो है मैं कुछ दिखा देता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे दोनों इफेक्ट लगे हैं, स्काई वाला इफेक्ट वगैरह भी यहाँ पर लग चुका है। तो आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करने के बाद चाहे तो आप इसमें इफेक्ट वगैरह, एक इफेक्ट हमारा रह चुका है यानी कि ये वाला जो नया फिल्टर है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ तीर का निशान था वहाँ क्लिक करने के बाद जहाँ तीर का निशान था वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो नया जो इफेक्ट है यानी कि फिल्टर है आपको वो मिल जाएगा। ये फिल्टर कैपकट का है, आपको यहाँ पर मोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। ये फिल्टर और एक तरीके से टेम्पलेट्स हैं जितने भी इसमें देख सकते हो आप। तो इस पर जैसे ही आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो में यहाँ पर लग जाएगा, पर हमें जो वायरल वाला यहाँ पर लगाना है तो वायरल जो इफेक्ट है वो ये वाला है गाइस। तो आपको इस पर यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आप इस पर यहाँ पर डबल टैप करते हो तो यानी कि आप एडजस्ट भी कर सकते हो इस इफेक्ट को, इस फिल्टर को आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो में यहाँ पर एडजस्ट करके इसे आपको जो होगा यहाँ पर लगाना है। देन आप इसे एडजस्ट भी कर लेना कि कितना आपको यहाँ पर लगाना होगा, स्टार्टिंग में लगाना है एंड में लगाना है, यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान में करके इसे सेट कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर इतना करता हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें और भी बहुत सारी एडिटिंग बाकी है, हमें काफ़ी कुछ इसमें मैच वगैरह करना है। तो यहाँ पर आपका देखोगे वीडियो प्ले करके यानी कि जो हमारा वायरल फिल्टर यानी कि इफेक्ट था वो यहाँ पर लग चुका है, और साथ के साथ गाइज मतलब आपका जो है स्काई वो यहाँ पर एडिट हो चुका है, और उसके बाद जो नया यानी कि जो इफेक्ट लगाया था टेम्पलेट की तरह एक तरीके से वो भी यहाँ पर आपकी वीडियो में लग चुकी है। इसके बाद गाइज इस वीडियो को सेव करना होगा, इसमें सॉन्ग मैच करना है और इफेक्ट वगैरह हमें अभी लगाने होंगे। तो वो कैसे लगाने, सबसे पहले इसे यहाँ पर सेव करना है ऊपर तीर के निशान, वहाँ पर सेव करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐप की लिंक और मिलेगी जिसका नाम होगा वी एन एप्लीकेशन। इसे इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, प्लस का आइकन वहाँ क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जो वीडियो हमने कैपकट से यहाँ पर जो है एडिट करके बनाई थी उस वीडियो को आपको यहाँ पर लेके आना होगा, आगे आना है, एंड में वाटरमार्क देखने को मिलता है, इस वाटरमार्क पर क्लिक करके इसे वाटरमार्क को जो होगा यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइज आपको इसे पार्ट में डिवाइड करना है। पार्ट में डिवाइड कैसे करोगे, जैसे कि आपको ये वाला यहाँ पे फिल्टर है यानी कि इफेक्ट ये आ रहा है तो इसे सीधे ऑप्शन पर क्लिक करके दो पार्ट में आपको यहाँ पर जो होगा डिवाइड करना होगा सबसे पहले, क्योंकि हमें अलग अलग इन्हें रखने होंगे। तो इन्हें यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आएंगे और सीजर का ऑप्शन होगा यहाँ क्लिक करके एक पार्ट डिवाइड हो गया, ये स्काई वाला है, और स्काई से बाद में जो हमारा ये नया इफेक्ट है आपको इसे यहाँ पर जो होगा इसे भी यहाँ पर अलग करना होगा, दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपका नया इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक पर क्लिक करना है जहाँ पर गाइस तीर का निशान है, आपको वहाँ क्लिक करना है, जहाँ तीर का निशान है वहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वायरल म्यूजिक की जो होगी वीडियो और लिंक दोनों आपको वहाँ पर मैंने दी है। अगर आप ये वाला प्रोसेस करोगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो ऑडियो में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, आपका म्यूजिक आएगा, आपको म्यूजिक पर क्लिक करके अपने म्यूजिक को ऐड कर देना है। आपको जो होगा म्यूजिक पे क्लिक करना होगा या फिर म्यूजिक को आप प्ले करके देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पर आपकी बीट है। आपको एंड तक आना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है सीजर की मदद से, और एंड का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। बिल्कुल आगे आना है म्यूजिक पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और जहाँ तीर्घनसान वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जहाँ पर तीर्घनसान वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम करेंगे बीट मैच गाइज, तो बीट मैच होनी बहुत ज़रूरी है तभी इसमें आप कुछ इस तरीके के शेक बाउंस इफेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जहां पर भी आपको लगता है यहां पर बीट है तो आपको व्हाइट वाला जो फ्लैग है गाइस आपको वहां पर क्लिक कर देना हो, और इस तरीके से क्या होता है कि आपकी यहां पर जो होगी बीट जो होती है वो यहां पर मैच हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो होगा यहां पर बीट मैच करनी है, देन आपको यहां पर ओके कर देना है। आप देख सकते हो एक तरीके का हमारा पर मार्क लग चुका है, बीट के हिसाब से पहला मार्क लगा है जो हमने क्रॉपिंग की थी। देन आपको आगे आना होगा मतलब सीजर की मदद से, अब आपको म्यूजिक के हिसाब से जो होगा यहां पर डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने
पहले वाले पार्ट पर क्लिक किया, फिल्टर पर मैं गया हूँ और मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट, सबसे पहले मैंने वाली ये वाली जो लेयर है उसको मैंने जो है वीडियो की फर्स्ट वाली इसको ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर कर दिया है। तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद यहाँ पर जो है सेकंड वाले पे आना है, सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना है। आपको हर पार्ट का म्यूजिक के हिसाब से जो बीट लगी है उस पार्ट को यहाँ पर डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें हमें शेक बाउंस इफेक्ट अभी यहाँ पर लगाने होंगे और वो जो है हम इसी की मदद से लगाएंगे। तो जब ये सारे सारे यहाँ पर पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, अगला वाला जो पहला पार्ट है उसे हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, सेकंड वाले पर आना है पार्ट पे, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है जहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन था वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको काफी सारे शेक बाउंस इफेक्ट मिल जाएंगे, तो जोन से भी आपको सही लगते हैं उन्हें आपको यहाँ पर लगाने होंगे, पर मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 यहाँ पर यूज करने होंगे। तो उन्हीं इफेक्ट को आपको बारी बारी 3 या 4 जो इफेक्ट आपने चूज किए होंगे उन्हें आपको यहाँ पर लगाने होंगे। और अगर आप जहां पर तीर का निशान देखोगे अगर वहां पर क्लिक करते हो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट से क्या होगा आपको तीसरी चौथी पांचवी छठी इस तरीके से लेयर आ जाएगी और इजी से जो होगी आप यहाँ पर शेक अपने इफेक्ट लगा पाओगे हर लेयर में। आपको सिर्फ यहाँ पर नेस्ट करना होगा और नेस्ट के बाद आपकी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं इस तरीके से आ जाएगी और आप यहाँ पर अपने शेक जो है बाउंस इफेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जो आपने 4 या 5 अपर पर सिलेक्ट किए होंगे। इससे क्या होता है बहुत ईजी हो जाता है, इसमें बार बार आपको बैक नहीं जाना होगा, बार बार आपको लेयर पर क्लिक नहीं करना होगा अपनी वीडियो की जो आपने पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे के सारे लेयर में जो है वीडियो की अपने यहाँ पर बाउंस शेक इफेक्ट लगा चुके हो। बिल्कुल यहाँ पर आपको जो होगा आगे आना है, आगे आने के बाद अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हो तो गाइज आपकी वीडियो जो है वायरल इफेक्ट, वायरल ट्रेंडिंग वीडियो वो पूरी तरीके से यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। गाइज इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से इस तरह की वायरल वीडियो जो होती है उसे बना सकते हो। इस वीडियो को आपको सेव करना होगा तो सेव करने के लिए ऊपर तीर का निशान है वहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।